दोस्तों आपका स्वागत है wisdomjobs.com में। मेरा नाम अशोक, फैकल्टी फॉर रीजनिंग एज वेल एज साइंस एंड इंजीनियरिंग। आप देख सकते हो अपने अलग अलग तरीके के वीडियो, शॉर्ट वीडियोस जो भी बना रहे हैं और कॉन्सेप्चुअल वीडियोस जो भी बना रहे हैं, आप देख सकते हो हमारे प्लेलिस्ट में चेक कर दीजिए। ये सभी जानकारी के लिए आप सब्सक्राइब कर दीजिए, जो कि आपको नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिल जाएंगे, सो आपका प्रिपरेशन एक साथ में हो जाए। सो अभी हम देखते हैं ऐसे शॉर्ट वीडियोज़ में आज इस वीडियो में क्या रखे हैं, और एक डेटा सफिशिएंसी वाले क्वेश्चन जो कि जुड़ा है ब्रेड रिलेशन के साथ, ब्रेड रिलेशन क्वेश्चन के रिलेटेड ये डेटा सफिशिएंसी क्वेश्चन। एंड ये आ चुका है ग्रेड बी ऑफिसर्स के पेपर में, जो कि 2011 का हुआ था। सो जैसे हमारे प्रैक्टिस ज़्यादातर होना चाहिए, इसलिए ग्रेड बी पेपर का भी क्वेश्चन ले चुके हैं हम, जो कि ये रेंज हो सकता है, यानी ये जो क्वेश्चन है डेटा सफिशिएंसी के, आपके असिस्टेंट पेपर में भी बन सकता है। ओके सो जो कि प्रीलिम्स हो, मेंस हो, जो भी है, तो आपको प्रिपरेशन जारी रखना चाहिए, जो कि आपको इतना आइडेंटिफाई करना चाहिए कि कौन सा टॉपिक्स आ रहा है। सो उस टॉपिक का हर चीज़ आपको पहले से तैयारी रखना चाहिए। ओके सो इसलिए हम ये सभी सॉल्व कर रहे हैं, अलग अलग पेपर्स से ये क्वेश्चंस ले रहे हैं, और कि आगे जाके हम आप इसलिए सब्सक्राइब कर दीजिए, जो कि आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएगा आगे जाके जो भी वीडियोस बना रहे हैं हम, शॉर्ट वीडियोस हर तरीके के कॉन्सेप्ट्स के, यानी हर मॉड्यूल्स के, यानी एप्टीट्यूड का हो, रीजनिंग का हो, इंग्लिश का हो, हर किसी का शॉर्ट वीडियोस का आपका जानकारी मिल जाएगा। सो आगे देखते हैं हम, ये पहले चीज़ इसमें डेटा सफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट तो हमको पता है, यानी पांच ऑप्शन देंगे इसमें, पांच ऑप्शन कैसे बनाए इसमें, जैसे कि क्वेश्चन देंगे या सो इसके रिलेटेड स्टेटमेंट्स देंगे। सो हमको आइडेंटिफाई करना है कि अगर पहला वाला स्टेटमेंट सिर्फ पहला वाला स्टेटमेंट सॉल्व करेगा इसको, या सिर्फ दूसरा वाला, या पहला वाला और दूसरा वाला, और इन द सेंस आइदर और केस, और नहीं बता सकता हूँ मैं, या पहला वाला कर सकता है इसको सॉल्व या दूसरा वाला, ये ऑप्शन बन गया। और आगे जाके और भी ऑप्शंस क्या बन सकता है, सो दोनों बिल्कुल दोनों के डेटा जो भी दिया हुआ है वो सफिशिएंट नहीं है, यानी जो भी डेटा दिया है ये सॉल्व कर नहीं पा रहा है इस क्वेश्चन को, और लास्ट वाला जो डेटा होगा यानी लास्ट वाला ऑप्शन जो भी बनेगा इधर, वो ऑप्शन का मतलब ये है कि दोनों साथ में मिला है। अगर इंडिविजुअली एक एक करके देखे जो भी डेटा दे दिया हुआ है वो सॉल्व कर नहीं पाएगा, तब जाके हम चेक करना है कि दोनों साथ में मिला है, यानी दोनों डेटा मिला है हम, सो इसको सॉल्व कर पा रहे हैं, तो तब देंगे ये लास्ट वाला ऑप्शन है। ओके सो ये बेसिक चीज़ें तो पता है हमें, अभी सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। जो भी दिया हुआ है क्वेश्चन क्या दिया होगा, हमें इतना आइडेंटिफाई करना है कि इज सी द ग्रैंड मदर ऑफ एम। सो ग्रैंड मदर जो भी है, दादी है, नानी है, जो भी बन सकते हैं। अगर ये सी ग्रैंड मदर एम का ग्रैंड मदर बन सकते हैं कि नहीं, ओके ये बन सकते हैं कि नहीं हम चेक करेंगे इधर। अपना ऑप्शन है ये है कि हम लिख लेंगे इधर। ऑब्वियसली इससे पता चलता है कि सी सी एक फीमेल है। ओके यहाँ ये होना चाहिए कि एक जनरेशन गैप होना चाहिए, यहाँ बैठेगा अभी एम, एम का जेंडर पता नहीं है। ये क्वेश्चन से इतना इतना इन्फॉर्मेशन तो मिलता है हमें। ये चेक करेंगे हम ये दोनों स्टेटमेंट से। ओके पहले वाला स्टेटमेंट देखेंगे अभी। पहले वाला स्टेटमेंट में जो भी डेटा दिया हुआ है उससे मैपिंग करेंगे, उसके हिसाब से हम आइडेंटिफाई करेंगे अगर ये रिलेशन जो भी रिश्ता दिया हुआ है ये बन सकता है कि नहीं। ओके सी इज द मदर ऑफ डी। सीधा सीधा जो पढ़ते जाएंगे लिखते जाएंगे इधर, ऐसे मैंने पहले से बता रहा हूँ कि आपको एक्सप्लेनेशन कराने के लिए ये जो लिख रहा हूँ मैं, आपको भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। कुछ कुछ चीज़ें ऐसे होता है कि आपके दिमाग में समझ पढ़ते पढ़ते आप समझ सकते हो, जैसे आंसर दे सकते हो तुरंत। ओके लिखने के कभी कभी लिखने का ज़रूरत भी ना पड़े। सी इज द मदर ऑफ डी, मैं यहाँ लिख लेता हूँ सी इज द मदर ऑफ डी। आपको पता है कोडिंग कैसे ले रहा हूँ मैं, दूसरे वीडियोस देख चुके होंगे आप। सी इज द मदर ऑफ इसके ऊपर वाला जनरेशन। ओके डी इज द ब्रदर ऑफ, ऑब्वियसली डी का भी जेंडर पता चल गया इधर, डी इज द ब्रदर ऑफ एम्स फादर। ओके अभी डी का जो भी ब्रदर बनेगा इधर, ओके डी इज द ब्रदर ऑफ एम्स फादर, यानी एम्स फादर अभी इधर बैठेगा। ओके उसका नाम अभी लेंगे नहीं, एफ दे देंगे इसका, एम्स फादर का एफ दे देंगे। ये भी फादर है तो इसका जेंडर मेल बनेगा।
ये कौन है एफ? अभी एम्स फादर, एम का फादर है। सो कैसे लिख सकता हूं मैं, मैपिंग ऐसा कर सकता हूं कि नहीं? ओके, सो अभी कुछ एम का जेंडर का पता है? नहीं। सो मैं ऐसा लिख सकता हूं, डेफिनेटली ये तो मैपिंग होगा इसका। सो पहले जो स्टेटमेंट दिया हुआ है इसका, इसका मीनिंग ये हो गया। सो इससे कुछ पता चलता है आपको? सो ऑब्वियसली पता चल गया इधर। सो एम का जेंडर जो भी है, सो हमको इतना डेफिनेटली पता चलना चाहिए कि सी का जेंडर, अभी इसी का जेंडर डेफिनेट है, फीमेल है। सो और दो जनरेशन ऊपर है इसके एम के, सो ऑब्वियसली सी तो उसकी ग्रैंड मदर बन सकती है। सो पहला वाला स्टेटमेंट में जो भी डेटा दिया हुआ है वो सफिशियंट है अभी इसका आइडेंटिफाई करने के लिए। सो अभी यहाँ रुकना नहीं चाहिए हमें, ऑप्शंस खड़ा है इधर। सो जो कि हमें दोनों दोनों स्टेटमेंट चेक करना है। सो अभी दूसरा वाला चेक करेंगे हम। सो दूसरा वाला स्टेटमेंट में क्या क्या दे रखे हैं, सो इसके हिसाब से मैपिंग बना देंगे फटाफट, ये चेक कर देंगे हम ऑप्शन, यानी ये डेटा जो है उसको सॉल्व कर पाएगी कि नहीं। ई इज द मदर ऑफ यस। सो सीधा सीधा जो भी पढ़ रहा हूं मैं सीधा ड्रॉ कर लेता हूं इधर। ई इज द मदर ऑफ यस। एस का जेंडर अभी पता नहीं है, आगे जाके देखेंगे। एस इज द सिस्टर ऑफ एम। अभी एस का जेंडर पता चल गया हमें, एस इज द सिस्टर ऑफ एम। देन एफ इज द आंट ऑफ यस। आंट इन द सेंस मैंने जो बताया था इससे पहले वाला वीडियो आप देख सकते हो जाके, अगर ये भी बताया होना चाहिए आपको, जैसे कि इंग्लिश में देंगे आंट, यानी आंट होगा फादर्स रिलेटेड, यानी अगर स्पेसिफिकली ऐसा देंगे मैटरनल आंट देंगे तो मदर के तरफ से रिश्ता बनेगा। सो अगर सिर्फ आंट देंगे फादर की तरफ से रिश्ता बनेगा। सो यानी ये हो गया आंट हो गया, सो फादर्स सिस्टर। ओके, सो इसका फादर अभी एस का, एस की मदर है ई। सो ई की यानी ई से जो भी रिलेशन, अभी ई का हस्बैंड जो भी है, ई का पति, सो उसका सिस्टर जो भी है, उसका सिस्टर जो भी है वो आंट है एस की। ओके, सो उसका नाम क्या दे रखा है इधर? एफ। यानी अभी मैं ड्रॉ करूं एफ को रिप्रेजेंट करूं मैं, सो एफ को इधर बैठा सकता हूं मैं, है कि नहीं? सो एस के अभी इस मैपिंग से आइडेंटिफाई कर लीजिए एफ को कैसे रिलेट कर सकते हो आप। ये फीमेल ले लेंगे एफ। सो ऑब्वियसली आप इतना बता सकते हैं कि एस की मदर ई है, सो ई का हस्बैंड है। वी डोंट हैव दैट थिंग हियर, सो कुछ नाम नहीं दिया हुआ इधर। ई का हस्बैंड का यानी हस्बैंड की सिस्टर है एफ। सो ऑब्वियसली ये बन गया अभी, ये दोनों का रिलेशन बन गया, यानी एफ बन गई अभी एस के आंट। ओके, सो ऐसा रिलेशन बना चुके हैं हम। इज द ओनली डॉटर ऑफ सी। कौन है ओनली डॉटर? सो जो एफ के बारे में बात कर रहे हैं, सो एफ इज नथिंग बट एफ इज द आंट ऑफ एस, इज द ओनली डॉटर ऑफ सी। यानी सो ये जो एफ है ये ओनली डॉटर ऑफ सी है। सी को इधर रख सकता हूं मैं, यह रख सकता हूं कि नहीं? मगर आप देखिए इस स्टेटमेंट से आप कुछ ऐसा डिटरमाइन कर सकते हो, ऐसा सटनली बता सकते हो कि सी की जेंडर क्या है? सो ऑब्वियसली नहीं। सो इससे सिर्फ डॉटर जो है वो एफ है, लेकिन सी इसका जेंडर के बारे में कुछ इस इंफॉर्मेशन डेटा जो दिए रखे इधर, वो इंफॉर्मेशन इसके सटनली दे नहीं पा रहा है जेंडर का। यानी ये हो गया कि ग्रैंड मदर भी हो सकता है। सो ये तो जेंडर डिफरेंस तो, यानी जनरेशन डिफरेंस तो है, दो जनरेशन ऊपर है सी किससे? एम से। यानी एम का जेंडर भी अभी आइडेंटिफाई कर नहीं सकते हम इस जो भी डेटा दिया हुआ है। सो इस मैपिंग से हमको इतना बताया कि दो जेंडर, दो जनरेशन ऊपर है सी एम से, लेकिन ये सर्टेन नहीं है कि ग्रैंड मदर है कि ग्रैंड फादर है। जेंडर का पता नहीं है, सर्टेनिटी नहीं है, तो सी हो सकता है कि ग्रैंड फादर या ग्रैंड मदर भी, जो कि यहां हमें चाहिए सी ग्रैंड मदर बन सकती है कि नहीं। ओके, सो ऑब्वियसली ये जो डेटा दिया हुआ है सेकंड स्टेटमेंट में ये सफिशिएंट नहीं है इसको प्रूव कर सके। सो अभी इसका अप्रोप्रिएट ऑप्शन क्या चुनना है हमें? आंसर सिर्फ एक, पहला वाला जो डेटा दे रखे है पहला वाला स्टेटमेंट में वो इनफ है इसको प्रूव करने के लिए, जो सेकेंड वाला प्रूव कर नहीं पा रहा है। तो इसका अप्रोप्रिएट ऑप्शन बन गया पहला वाला, या सो जो
इसका मीनिंग बन गया है कि सेकंड स्टेटमेंट के जो डेटा है वो सॉल्व नहीं कर पाएगा, सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट, पहला वाला स्टेटमेंट जो इन्फॉर्मेशन है वो सॉल्व करेगी इसको. ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस. जैसे कि एक्सप्लेनेशन मैं कर रहा हूँ मैपिंग के साथ, सिर्फ आपको समझाने के लिए, जो कि आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड है. सो आप मैपिंग करते हो कि नहीं, या सिर्फ स्टेटमेंट पढ़ते पढ़ते आप समझ के आंसर दे सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो. आप आइडेंटिफाई कर लीजिए, यानी प्रैक्टिस कर लीजिए. बहुत सारे अपने वीडियोस के साथ हम लाते रहेंगे ऐसे शॉर्ट वीडियोस, आप जारी रखिए प्रैक्टिस हमारे साथ. और भी वीडियोस आएंगे जैसे कि मॉडल क्वेश्चंस, प्रीवियस क्वेश्चंस ऑफ अदर टॉपिक्स, अलग अलग टॉपिक्स के प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे हम, और मॉडल क्वेश्चन भी लाते रहेंगे. सो दोस्तों, आपको पसंद आ गई होगा वीडियो. सो जैसे हम शॉर्ट वीडियोस के ये सीरीज बना रहे हैं, यानी आपके प्रिपरेशन के लिए आसान कर सके हम, जो कि आप एक एक करके आप वीडियो देख सकते हो और उसका तैयारी कर सकते हो. सो कि इकट्ठा कर लीजिए सभी वीडियो का, जो कि प्रिपरेशन पूरी तरीके से हो आपका. सो जो इसीलिए आप सब्सक्राइब कर दीजिए, जो कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे हर तरीके के वीडियोस का अपडेट्स मिल जाएंगे. सो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, इन्फॉर्मेशन शेयर कर दीजिए, जो कि उनका भी प्रिपरेशन ठीक तरीके से हो जाए. थैंक यू. अभी जो भी कमेंट्स हैं, डाउट्स हैं, सो कमेंट कर सकते हो अपने कमेंट सेक्शन में. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग.